अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत दिनों के बाद आज पेट भर के खाना खाया बाय गॉड। अच्छा जी, क्यों ऐसा क्यों भाई? टेंशन पाले हुए थे ना ये तिवारी जी के गर्दन की। मेरे सर पे जेल जाने का खतरा मंडराता रहता था। अबे तूने काम ही ऐसे किए थे जेल जाने वाले? तूने यार पब्लिकली क्यों कह दिया सबको कि मैं जापान से करके आया हूँ वो फिजियोथेरेपी का कोर्स, और तूने ये कच्चा बनियान की और गर्दन टेढ़ी कर दी। बाबूती जी, आपने जो हमारी गर्दन टेढ़ी की थी ना, हमें इस बात का एहसास हो गया था कि आपने कसम से हमारे पे बहुत बहुत बड़ा एहसान किया बबूती जी, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। एक मिनट तिवारी जी, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? जब विभू ने आपकी गर्दन टेढ़ी की थी तब तो आप उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, और अब आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि गर्दन टेढ़ी करके मैंने आप पे एहसान किया? अब होश में तो हैं अपने? पहले होश में नहीं थे बबूती जी, लेकिन अब पूरी तरह से होश में आ गए हैं, और इस खुश आवास में हमने स्वीकार कर लिया कि आपने हमारी गर्दन टेढ़ी करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया बबूती जी, बहुत बड़ा एहसान किया। ओए कच्चा बनियान, ये तू जो क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? ये हम आपको बाद में बताएंगे चाचा जी। बबूती जी, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी गर्दन दोबारा टेढ़ी कर दीजिए। तिवारी जी, आपको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सही कह रहा है यार तू। तुम्हें जैसे साइकाइट्रिस्ट, आप पागल हो गए हैं? नहीं, हम पागल नहीं हुए हैं बबूती जी, हम पूरे होश आवाज में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारी गर्दन फिर से टेढ़ी कर दीजिए, हम आपके पांव झूमते हैं। तिवारी जी, जी आप अपनी गर्दन टेढ़ी वापस क्यों करवाना चाहते हैं? क्या बताएं भाभी जी, जब हमारी गर्दन टेढ़ी थी तो हमें बहुत लाभ हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी गर्दन सीधी हुई तो हमें हानि होनी शुरू हो गई। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल टेढ़ी गर्दन हमारे लिए लकी है और सीधी गर्दन हमारे लिए अनलकी। अब तो हो गई ना भाभी जी बात साफ? बबूती जी, हमारी गर्दन आपके हवाले है बबूती जी, हमारी गर्दन फिर से टेढ़ी कर दीजिए। लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, I can't stay भुक्का। सीधे बैठिए, वहाँ बैठिए, चलिए वहाँ बैठिए। बैठ जाए इधर, बैठ। जब तेरी गर्दन टेढ़ी हुई थी तब तुझे फायदा हो रहा था? हाँ, हो तो रहा था। ठीक है, अब तेरी गर्दन अगर फिर से टेढ़ी कर दी इस खचेड़ू ने तो खचेड़ू का क्या फायदा होगा? बोल। इन्हें 1,000 रुपए दे देंगे। दिमाग खराब हो गया आपका? खुद कमाएंगे 1,00,000 रुपए, हमें फेंकेंगे अठन्नी चवन्नी। एक मिनट बेबू, ये 1,80,000 चवन्नी दे या 1 रुपए दे, तुम इनकी गर्दन वापस टेढ़ी नहीं करोगे? भाभी जी प्लीज प्लीज, अरे ऐसा मत कीजिए भाभी जी। नहीं तिवारी जी, बस अब ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी विभू जेल जाते जाते बचा है आपकी वजह से, अब मैं ये रिस्क वापस नहीं ले सकती। शी इज राइट। ओके तिवारी जी, आई थिंक यू गो। अब जाइए, आप हमसे कोरे कागज पर लिखवा लीजिए, साइन करवा लीजिए, अंगूठी का निशान तक देने को तैयार है। अच्छा, कागज पे क्या लिखा होगा ये तुझे पता है? ये भी आप ही बता दीजिए। ठीक है, ऐसा है, जो भी मटेरियल है वो मैं लिख देता हूँ और तू उस पर अपने हस्त साइन कर दियो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सर, मुझे ऐसे लगता है कि शायद विभूति जी ने तिवारी जी का काम तमाम कर दिया हो। पागल है, कैसी बातें कर रहे हो ये? क्यों नहीं हो सकता सर, आदमी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है विभूति जी ने तिवारी जी का खून कर दिया हो और पीछे की खिड़की से 1, 2, 3 हो गए हो। तिवारी भैया की चीख, मैंने कहा था ना सर। अरे ये तो अकेले ही आ रहे हैं। हैंड्स अप। तुमने कहा तिवारी जी, ठीक हो गया?
तिवारी भैया तुम झंडो। अरे देखिए गर्दन में ठीक हो गया। अरे जेठे से चमत्कार है गोरे। ये चमत्कार भभूति जी की वजह से हो गया रे। अरे यार खचेड़ू एक बार बता, अगर तुझे ये चमत्कार करना ही था तो पहले कर देता यार, इतनी उठा पटक तो नहीं होती। चाच जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। इनकी गर्दन आज ठीक होनी थी सो आज ठीक हो गई। हमारी गर्दन सीधी होने की खुशी में हमारी तरफ से जोरदार पार्टी। ये तंदूरी, दो प्लेट कबाब, तीन प्लेट जो है भुना मटन लिया। सब बनाएंगे फिर उठाने में। हेलो तिवारी जी रेस्टोरेंट। अरे वो रेजिडेंस होता है। सही पकड़े हैं। हमें बात करने दो। हाँ हेलो। अरे हाँ हाँ हेलो खन्ना साहब, खन्ना साहब कैसे हैं जी? अरे हम तो बस कुशल मंगल हैं और प्रसन्न भी हैं। अब इतना बड़ा 5 लाख का ऑर्डर जो आपने हमें दिया है जी, हैं जी क्या 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 ऑर्डर कैंसिल कर क्यों 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 खन्ना साहब क्या है? आपके यहाँ भी सीडी की रेट पड़ गई लेकिन कैंसिल। सुनिए खन्ना साहब, खन्ना साहब अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे यार का हुआ? इतना यूनाइटेड स्टेट्स का आए हो रहे हैं? इरिटेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं का हुआ? हाँ बताएं पगली, बहुत ही बुरा खबर है, न्यूज है। का? अरे वो खन्ना साहब के सीडी का रेट पड़ गया। सीडी? वो बजाने वाला सीडी? हाँ ये बजाने वाला ही है। 5 लाख का ऑर्डर हमारा कैंसिल कर दिया। हाँ ये तो बहुत ही बैड न्यूज है। अरे फिर न्यूज होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन हमारी सच में समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से हमारे साथ ये हो क्या रहा है। हमको लग रहा है ये सब आपकी गर्दन की वजह से तो नहीं है। गर्दन का इस बात से क्या संबंध है? देखिए ना, कहा है कि जब तक आपका गर्दन टेढ़ा था तो आपको सारे ऑर्डर मिल रहे थे, वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो रहा था। लेकिन जैसे गर्दन सीधा हुआ है तो देखिए अभी के अभी एक ऑर्डर जो है वो कैक्टस हुई गवा कैंसिल होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं किए ना हम। हाँ हाँ ये बात पे खाइए। इतनी बुरी न्यूज है फिर भी पान खिला रही। आइडिया Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।